भारत माता की, भारत माता की। मैं कहूंगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आप दो बार बोलेंगे अमर रहे अमर रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मंत्री परिषद के मेरे सहयोगी श्रीमान महेश शर्मा जी, आजाद हिंद फौज के सदस्य और देश के वीर सपूत, और हम सब के बीच श्रीमान लालटी राम जी, सुभाष बाबू के भतीजे भाई चंद्र कुमार बोस जी, ब्रिगेडियर आरएस चिकारा जी, और यहाँ उपस्थित सुरक्षा बलों के, सेना के सभी पूर्व अफसर, अन्य महानुभाव भाई और बहनों, आज 21 अक्टूबर के ऐतिहासिक दिन लाल किले पर ध्वजारोहण का यह अवसर आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना अपने आप को सौभाग्य मानता हूं। यह वही लाल किला है जहां पर विक्ट्री परेड का सपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 75 वर्ष पूर्व देखा था। आजाद हिंद सरकार के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए नेताजी ने ऐलान किया था कि इसी लाल किले पर एक दिन पूरी शान से तिरंगा लहराया जाएगा। आजाद हिंद सरकार अखंड भारत की सरकार थी, अविभाजित भारत की सरकार थी। मैं देशवासियों को आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, अपने लक्ष्य के प्रति जिस व्यक्ति का इतना साफ विजन था, लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए निकल गया हो, जो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए समर्पित हो, ऐसे व्यक्ति को याद करने भर से ही पीढ़ी दर पीढ़ी प्रेरित हो जाती है। आज मैं नमन करता हूं उन माता पिता को जिन्होंने नेताजी जैसा सपूत इस देश को दिया, जिन्होंने राष्ट्र के लिए बलिदान देने वाले वीर वीरांगनाओं को जन्म दिया। मैं नतमस्तक हूं उन सैनिकों और उनके परिवारों के आगे जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में सर्वस्व न्योछावर कर दिया। मैं पूरे विश्व में फैले उन भारतवासियों को भी स्मरण करता हूं जिन्होंने नेताजी के इस मिशन को तन मन धन से सहयोग किया था और स्वतंत्र समृद्ध सशक्त भारत बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया था। साथियों, आजाद हिंद सरकार, यह आजाद हिंद सरकार ये सिर्फ नाम नहीं था, बल्कि नेताजी के नेतृत्व में इस सरकार द्वारा हर क्षेत्र से जुड़ी योजनाएं बनाई गई थी। इस सरकार का अपना बैंक था, अपनी मुद्रा थी,
अपना डाक टिकट था, अपना गुप्तचर तंत्र था, देश के बाहर रहकर सीमित संसाधनों के साथ शक्तिशाली साम्राज्य के खिलाफ इतना व्यापक तंत्र विकसित करना सशस्त्र क्रांति अभूतपूर्व मैं समझता हूं असाधारण कार्य था। नेताजी ने एक ऐसी सरकार के विरुद्ध लोगों को एकजुट किया जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता था। दुनिया के एक बड़े हिस्से में जिसका शासन था, अगर नेताजी की खुद की लेखनी पढ़े तो हमें ज्ञात होता है कि वीरता के शीर्ष पर पहुंचने की नींव कैसे उनके बचपन में ही पड़ गई थी। वर्ष 1912 के आसपास, आज से 106 साल पहले, उन्होंने अपनी मां को जो चिट्ठी लिखी थी, वो चिट्ठी इस बात की गवाह है कि सुभाष बाबू के मन में गुलाम भारत की स्थिति को लेकर कितनी वेदना थी, कितनी बेचैनी थी, कितना दर्द था। ध्यान रखिएगा, वो उस समय सिर्फ 15-16 साल की उम्र के थे। सैकड़ों वर्षों की गुलामी ने देश का जो हाल कर दिया था, उसकी पीड़ा उन्होंने अपनी मां से पत्र के द्वारा साझा की थी। उन्होंने अपनी मां से पत्र में सवाल पूछा था कि मां, क्या हमारा देश दिनों दिन और अधिक पतन में गिरता जाएगा? क्या ये दुखिया भारत माता का कोई एक भी पुत्र ऐसा नहीं है जो पूरी तरह अपने स्वार्थ को तिलांजलि देकर अपना संपूर्ण जीवन भारत मां की सेवा में समर्पित कर दे? बोलो मां, हम कब तक सोते रहेंगे? 15-16 साल की उम्र के सुभाष बाबू ने मां को यह सवाल पूछा था। भाइयों और बहनों, इस पत्र में उन्होंने मां से पूछे गए सवालों का उत्तर भी दे दिया था। उन्होंने अपनी मां को स्पष्ट किया कर दिया था कि अब और प्रतीक्षा नहीं की जा सकती, अब और सोने का समय नहीं है, हमको अपनी जड़ता से जागना ही होगा, आलस्य त्यागना ही होगा और कर्म में जुट जाना होगा। ये सुभाष बाबू 15-16 साल के अपने भीतर की इस तीव्र उत्कंठा ने किशोर सुभाष बाबू को नेताजी सुभाष बना दिया। नेताजी का एक ही उद्देश्य था, एक ही मिशन था, भारत की आजादी, मां भारती को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराना। यही उनकी विचारधारा थी और यही उनका कर्म क्षेत्र था। साथियों, सुभाष बाबू को अपने जीवन का लक्ष्य तय करने, अपने अस्तित्व को समर्पित करने का मंत्र स्वामी विवेकानंद और उनकी शिक्षाओं से मिला। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, यानी जगत की सेवा से ही मुक्ति का मार्ग खुलता है, उनके चिंतन का मुख्य आधार था। जगत की सेवा अपने भारत की सेवा के इसी भाव की वजह से वो हर यातना सहते गए, हर चुनौती को पार करते गए, हर साजिश को नाकाम करते गए। भाइयों और बहनों, सुभाष बाबू
उन सेनानियों में रहे जिन्होंने समय के साथ खुद को बदला और अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अपने कदम उठाए। यही कारण है कि पहले उन्होंने महात्मा गांधी के साथ कांग्रेस में रहकर देश में ही प्रयास किए और फिर हालात के मुताबिक उन्हें सशस्त्र क्रांति का रास्ता चुना। इस मार्ग ने स्वतंत्रता आंदोलन को और तेज करने में बड़ी भूमिका निभाई। साथियों, सुभाष बाबू ने जो विश्व मंथन किया उसका अमृत सिर्फ भारत ने ही नहीं चखा बल्कि इसका लाभ और भी दूसरे देशों को हुआ। जो देश उस समय अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उन्हें सुभाष चंद्र बोस को देख करके प्रेरणा मिलती थी। उन्हें लगता था कि कुछ भी असंभव नहीं है, हम भी संगठित हो सकते हैं, अंग्रेजों को ललकार सकते हैं, आजाद हो सकते हैं। महान स्वतंत्र सेनानी नेल्सन मंडेला, भारत रत्न नेल्सन मंडेला जी ने भी कहा था कि दक्षिण अफ्रीका के छात्र आंदोलन के दौरान वो भी सुभाष बाबू को अपना नेता मानते थे, अपना हीरो मानते थे। भाइयों और बहनों, आज हम आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष का समारोह मना रहे हैं, तो 4 वर्ष बाद 2022 में आजाद भारत के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। आज से 75 वर्ष पूर्व नेताजी ने शपथ लेते हुए वादा किया था एक ऐसा भारत बनाने का जहां सभी के पास समान अधिकार हो, सभी के पास समान अवसर हो। उन्होंने वादा किया था कि अपनी प्राचीन परंपराओं से प्रेरणा लेकर उनको और गौरव करने वाली सुखी और समृद्ध भारत का निर्माण करने का। उन्होंने वादा किया था देश के संतुलित विकास का, हर क्षेत्र के विकास का। उन्होंने वादा किया था बांटो और राज करो की उस नीति से, उस जड़ से उखाड़ फेंकने का, जिसकी वजह से भारत इस बांटो और राजनीति ने सदियों तक देश को गुलाम रखा। आज स्वतंत्रता के इतने वर्ष बाद भी नेताजी का सपना पूरा नहीं हुआ है। भारत अनेक कदम आगे बढ़ा है लेकिन अभी नई ऊंचाइयों पर पहुंचना बाकी है। इसी लक्ष्य को पाने के लिए आज भारत के 125 करोड़ लोग नए भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक ऐसा नया भारत जिसकी कल्पना नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी की थी। आज एक ऐसे समय में जबकि विध्वंसकारी शक्तियां देश के बाहर और अंदर से हमारी स्वतंत्रता, एकता और संविधान पर प्रहार कर रही है, भारत के प्रत्येक निवासी का ये कर्तव्य है कि वो नेताजी से प्रेरित होकर उन शक्तियों से लड़ने, उन्हें परास्त करने और देश के विकास में अपना पूर्ण योगदान करने का भी संकल्प ले। लेकिन साथियों, इन संकल्पों के साथ ही एक बात और महत्वपूर्ण है, ये बात है राष्ट्रीयता की भावना, भारतीयता की भावना। यही लाल किले पर
मुकदमे की सुनवाई के दौरान आजाद हिंद फौज के सेनानी शाहनवाज खान ने कहा था कि सुभाष चंद्र बोस वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के होने का एहसास उनके मन में जगाया। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को भारतीय की नजर से देखना सिखाया। आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से शाहनवाज खान जी ने ऐसी बात कही थी, भारत को भारतीय की नजर से देखना और समझना क्यों आवश्यक था। ये आज जब हम देश की स्थिति देखते हैं तो और स्पष्ट रूप से समझ पाते हैं। भाइयों और बहनों, कैम्ब्रिज के अपने दिनों को याद करते हुए सुभाष बाबू ने लिखा था कि हम भारतीयों को ये सिखाया जाता है कि यूरोप ग्रेट ब्रिटेन का ही बड़ा स्वरूप है, इसलिए हमारी आदत यूरोप को इंग्लैंड के चश्मे से देखने की हो गई है। यह हमारा दुर्भाग्य रहा कि स्वतंत्रता के बाद भारत और यहां की व्यवस्थाओं का निर्माण करने वालों ने भारत को भी इंग्लैंड के चश्मे से ही देखा। हमारी संस्कृति, हमारी महान भाषाओं, हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारे पाठ्यक्रम, हमारे सिस्टम को इस संक्रमण का बहुत नुकसान उठाना पड़ा। आज मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि स्वतंत्र भारत के बाद के दशकों में अगर देश को सुभाष बाबू, सरदार पटेल जैसे व्यक्तित्वों का मार्गदर्शन मिला होता, भारत को देखने के लिए वो स्वदेशी चश्मा नहीं होता तो स्थितियां, वो विदेशी चश्मा न होता तो स्थितियां बहुत भिन्न होती। साथियों, ये भी दुखद है कि एक परिवार को, ये भी दुखद है कि एक परिवार को बड़ा बनाने के लिए देश के अनेक सपूतों, वो चाहे सरदार पटेल हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, उन्हीं की तरह ही नेताजी के योगदान को भी भुलाने का भरसक प्रयास किया गया है। अब हमारी सरकार स्थिति को बदल रही है। आप सभी को अब तक पता चला होगा, यहां आने से पहले मैं राष्ट्रीय पुलिस मेमोरियल का समर्पण करने के कार्यक्रम में था। मैंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर एक राष्ट्रीय सम्मान शुरू करने की वहां पर घोषणा की है। हमारे देश में जब नेचुरल कैलेमिटी होती है, आपदा प्रबंधन और राहत और बचाव के काम में जो जुटते हैं, दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वाले ऐसे शूरवीरों को, पुलिस के जवानों को अब हर साल नेताजी के नाम से एक सम्मान दिया जाएगा। शान को बढ़ाने वाले हमारे पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान इसके हकदार होंगे। साथियों, देश का संतुलित विकास समाज के प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्र निर्माण का अवसर, राष्ट्र की प्रगति में उसकी भूमिका, नेताजी के बृहद विजन का एक अहम हिस्सा था। नेताजी की अगुवाई में बनी आजाद हिंद सरकार ने भी पूर्वी भारत को भारत की आजादी का गेटवे बनाया था। अप्रैल 1944 में 1944 में
कर्नल शौकत मलिक की अगुवाई में मणिपुर के मोइरांग में आजादी फौज ने तिरंगा फहराया था। ये भी हमारा दुर्भाग्य रहा है, कैसे शौर्य को आजादी के आंदोलन में उत्तर पूर्व और पूर्वी भारत के योगदान को उतना स्थान नहीं मिल पाया। विकास की दौड़ में भी देश का यह अहम अंग पीछे रह गया। आज मुझे संतोष होता है कि जिस पूर्वी भारत का महत्व सुभाष बाबू ने समझा, उसे वर्तमान सरकार भी उतना ही महत्व दे रही है, उसी दिशा में ले जा रही है। इस क्षेत्र को देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनाने के लिए काम कर रही है। भाइयों और बहनों, मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि देश के लिए नेताजी ने जो कुछ भी दिया, उसको देश के सामने रखने का, उनके दिखाए रास्तों पर चलने का मुझे बार बार अवसर मिला है। और इसलिए जब मुझे आज के इस आयोजन में आने का निमंत्रण मिला, तो मुझे गुजरात के दिनों में नेता कार्यों की स्मृति भी ताजा हो गई। साथियों, जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, तब 2009 में ऐतिहासिक हरिपुरा कांग्रेस का अधिवेशन था। हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन की याद को हमने एक प्रकार से फिर जागृत किया था। उस अधिवेशन में जिस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, गुजरात लोगों ने नेताजी को कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद बैलगाड़ियों में बैठ करके बहुत बड़ा जुलूस निकाला था, वैसा ही, यानी जो एक भव्य आयोजन किया गया था, ठीक वैसा ही दृश्य हमने दोबारा 2009 में वहीं पर खड़ा कर करके इतिहास को पुनर्जीवित किया था। भले वो कांग्रेस का अधिवेशन था, लेकिन वो द्वितीय इतिहास का पृष्ठ था, हमने उसको जी करके दिखाया था। साथियों, आजादी के लिए जो समर्पित हुए, वो उनका सौभाग्य था। हम जैसे लोग जिन्हें ये अवसर नहीं मिला, हमारे पास देश के लिए जीने का, विकास के लिए समर्पित होने का हम सबके लिए रास्ता खुला पड़ा है। लाखों बलिदान देकर हम स्वराज तक पहुंचे हैं। अब हम सभी पर, 125 करोड़ भारतीयों पर, इस स्वराज को सुराज के साथ बनाए रखने की चुनौती है। नेताजी ने कहा था, हथियारों की ताकत और खून की कीमत से तुम्हें आजादी प्राप्त करनी है। फिर जब भारत आजाद होगा, तो देश के लिए तुम्हें स्थायी सेना बनानी होगी, जिसका काम होगा हमारी आजादी को हमेशा बनाए रखना। आज मैं कह सकता हूं कि भारत अब एक ऐसी सेना के निर्माण की तरफ बढ़ रहा है, जिसका सपना नेताजी सुभाष बोस ने देखा था। जोश, जुनून और जज्बा, ये तो हमारी सैन्य परंपरा का हिस्सा रहा ही है। अब तकनीक और आधुनिक हथियारी शक्ति भी उसके साथ जोड़ी जा रही है। हमारी सैन्य ताकत हमेशा से आत्मरक्षा के लिए ही रही है और आगे भी रहेगी। हमें कभी किसी दूसरे की भूमि का लालच नहीं रहा, हमारा सदियों से इतिहास है। लेकिन भारत की संप्रभुता के लिए जो भी चुनौती बनेगा, उसको दोगुनी ताकत से जवाब मिलेगा। साथियों, सेना को सशक्त करने के लिए बीते 4 वर्षों में अनेक कदम उठाए गए हैं। दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी को
भारतीय सेना का हिस्सा बनाया जा रहा है। सेना की क्षमता हो या फिर बहादुर जवानों के जीवन को सुगम और सरल बनाने का काम हो, बड़े और कड़े फैसले लेने का साहस इस सरकार में है और ये आगे भी बरकरार रहेगा। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर नेताजी से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने तक का फैसला हमारी ही सरकार ने लिया है। यहां मौजूद अनेक पूर्व सैनिक इस बात के भी साक्षी हैं कि दशकों से चली आ रही वन रैंक वन पेंशन की मांग को सरकार ने अपने वायदे के मुताबिक पूरा कर दिया है। इतना ही नहीं, करीब 11,000 करोड़ रुपए का एरियर भी पूर्व सैनिकों तक पहुंचाया जा चुका है, जिससे लाखों पूर्व सैनिकों को लाभ मिला है। इसके साथ साथ सातवें वेतन आयोग की सिफारिश पर जो पेंशन तय की गई है वो भी ओआरओपी वन रैंक वन पेंशन लागू होने के बाद तय पेंशन के आधार पर बढ़ी है। यानी मोरे फौजी भाइयों को पेंशन पर डबल बोनांजा मिला है। ऐसे अनेक प्रयास पूर्व सैनिकों के जीवन को सरल और सुगम बनाने के लिए किए गए हैं। इसके अलावा सैनिकों के शौर्य को भावी पीढ़ियां जान पाए, इसके लिए नेशनल वॉर म्यूजियम कार्य भी अब आखिरी चरण पर पहुंच चुका है। साथियों, कल यानी 22 अक्टूबर को रानी झांसी रेजिमेंट के भी 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। सशस्त्र सेना में महिलाओं की भी बराबरी की भागीदारी हो, इसकी नींव भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही रखी थी। देश की पहली सशस्त्र महिला रेजिमेंट भारत की समृद्ध परंपराओं के प्रति सुभाष बाबू के अगाध विश्वास का परिणाम था। तमाम विरोधों को दरकिनार करते हुए उन्होंने महिला सैनिकों की सलामी ली थी। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि नेताजी ने जो काम 75 वर्ष पहले शुरू किया था उसको सही मायने में आगे बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है। इसी 15 अगस्त को मैंने यहीं लाल किले से एक बड़ा ऐलान किया था। मैंने कहा था कि सशस्त्र सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से नियुक्त महिला अधिकारियों को पुरुष समकक्ष अधिकारियों की तरह ही एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया द्वारा स्थायी कमीशन दिया जाएगा। साथियों, ये सरकार के उन प्रयासों का विस्तार है जो बीते 4 वर्षों से उठाए गए हैं। मार्च 2016 में नेवी में महिलाओं को पायलट के रूप में इंडक्ट करने का फैसला लिया गया था। कुछ दिन पहले ही नौसेना की 6 जाबाज महिला अधिकारियों ने समंदर को जीतकर विश्व को भारत की नारी शक्ति का परिचय करवाया। इसके अलावा देश को पहली महिला फाइटर पायलट देने का काम भी इसी सरकार के दौरान हुआ है। मुझे इस बात का भी संतोष है कि आजाद भारत में पहली बार भारत की सशस्त्र सेनाओं को सशक्त करने देखरेख करने का जिम्मा भी
देश की पहली रक्षा मंत्री निर्मला सीतारामन जी के हाथ में है। साथियों, आज आप सभी के सहयोग से सशस्त्र बलों के कौशल और समर्पण से देश पूरी तरह से सुरक्षित है, समर्थ है और विकास के पथ पर सही दिशा में तेज गति से लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ रहा है। एक बार फिर आप सभी को, देशवासियों को इस महत्वपूर्ण अवसर पर हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं। एकता, अखंडता और आत्मविश्वास की हमारी ये यात्रा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के आशीर्वाद से निरंतर आगे बढ़े। इसी के साथ मेरे साथ सब बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम।